नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेवलनेस में। दोस्तों, आज ट्रेवल सीरीज के नई वीडियो में हम आपको देहरादून के फेमस FRI के बारे में बताएंगे। देहरादून में स्थित वन अनुसंधान भारत का सबसे पुराना और बड़ा वन आरक्षित प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका शॉर्ट नेम FRI है। यह संस्थान न केवल अपने शोध कार्य के लिए बल्कि अपने अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यह वन अनुसंधान विश्वविद्यालय से संबंधित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। देहरादून में FRI कोलागढ़ रोड पर स्थित एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान को सन 1906 में स्थापित किया गया था और लगभग 450 हेक्टेयर के एक बड़े क्षेत्र में इसका प्रसार है। यह संस्थान अपनी शानदार इमारत के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रीको रोमन और वास्तुकला के औपनिवेशिक शैली के एक अद्भुत समामिलन का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ इमारत के परिसर में वानिकी से संबंधित 6 संग्रहालय हैं। यह संग्रहालय गैर लकड़ी के वन उत्पादकों, लकड़ी, जंगल विज्ञान, सामाजिक वानिकी, विकृति विज्ञान और कीट विज्ञान के किस्मों का प्रदर्शन करते हैं। इन संग्रहालयों के अलावा जगह पर सुंदर वनस्पति के उद्यान भी हैं। यह उद्यान दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी यहीं स्थित है। FRI जाने के लिए लोगों के लिए अंदर काफी उत्सुकता रहती है। यहाँ के खुले हरे घास के भरे मैदान, आर्किटेक्चर, संग्रहालय लोगों को खासा प्रभावित करती रहती है। इसी कारण यहाँ लोग बार बार आते जाते रहते हैं। इस संस्थान का उद्देश्य भारत में वनों के संरक्षण और वानिकी अनुसंधान का नेतृत्व करना था। इसका इतिहास न केवल भारत में बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास से जुड़ा हुआ है।
सन 1988 में FRI और इसके अनुसंधान केंद्रों को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICAFRI के प्रशासनिक क्षेत्र के तहत लाया गया था। सन 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, ये थी FRI के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ट्रैवल संबंधित वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।